हेलो अस्सलाम वालेकुम, रमजान मरीज ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले टू बी वर्क, टू डू वर्क और टू हैव वर्क के बारे में बताया है, पढ़ाया है। आज हम सीखेंगे ये सारी चीज़ें उर्दू में, पहले मैंने सिंधी में और इंग्लिश में लेक्चर दिए हैं इसके बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है टू बी वर्क, टू डू वर्क और टू हैव वर्क, इसी के लिए मैं यहाँ पर तीन सेंटेंसेस यहाँ पर लिखूंगा आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो भी वर्ब के बाद आता है ये ज़रूरी नहीं है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि मोस्टली ये बताया जाता है कि एनीथिंग दैट फॉलोज वर्ब इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, मगर ऐसा नहीं है। तो चले लिखते हैं यहाँ पर सेंटेंस और हम आपको बताते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का वो कैसे बनता है। पहले इसमें हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इसमें जो हम वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अजंक। अजंक को हम कहेंगे एडवर्बियल, और या इसको हम कहेंगे मजीद डिटेल में जाने के लिए, इसका अच्छी तरह से नाम देने के लिए हम इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख रहे हैं एस प्लस बी और प्लस ओ आर ए। तो ये भी मैं आपको वाजह करता चलूँ कि जो हम टू डू वर्ब यहाँ पर सीख रहे हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद वर्ब, और उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट हो सकता है या अजंक्ट आ सकता है। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि अजंक्ट को हम एडवर्ब भी कहते हैं और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहते हैं। उसके बाद चलिए सीखते हैं टू हैव वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसमें पहले सब्जेक्ट डालेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्शन मिलेगी, यहाँ पर वर्ब में हमें क्या मिलेगी, इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे। नंबर वन स्टेट भी कहेंगे इसको, कंडीशन भी कहेंगे, ठीक है, एक ही बात है। और इसमें जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी प्लेस, प्लेस या इसको हम एग्जिस्टेंस भी कहेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कि यहाँ पर लिखा स्टेट कंडीशन हो तो उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, अगर इसमें प्लेस और एग्जिस्टेंस आ जाए तो उसको हम अजंक्ट कहेंगे। ये तो बात आपको समझ में आ गई, और उसके अलावा मजीद हम सेंटेंसेस भी नीचे लिखेंगे आपको मजीद इंफॉर्मेशन बताने के लिए और आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी हम आपको कुछ डिटेल में बताते हैं कि यहाँ पर वर्ब जो है टू डू वर्ब हमें क्या दिखाता है और क्या सिखाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ भी सीखते हैं कि टू बी वर्ब यहाँ पर दो चीज़ें दिखाता है, जैसे कि पहले मैंने लिखा है इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, या दूसरा इसमें जो आता है वो अजंक आता है, ठीक है। क्या आता है? अजंक, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट या अजंक आता है, यहाँ भी मैंने लिखा है और डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया है। और यहाँ पर जो टू वर्ब है और इसमें क्या होता है कि इस वर्ब में बेसिकली एक्शन होती है, क्या होती है? एक्शन होती है, इसमें एक्शन नहीं होती, नो एक्शन, ठीक है, इसमें नो एक्शन, इसमें एक्शन नहीं होती। और उसके अलावा ये टू हैव वर्ब है, टू हैव वर्ब के बारे में भी बता रहे हैं आपको, ये भी बहुत अहम वर्ब है। अगर आप इन तीन वर्बों के बारे में अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, जो कंसेप्ट है कि हम सेंटेंस कैसे बनाएं और कैसे बनाएं, पहचानें और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे समझें, तो उसके हवाले से हम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टू वर्ब है, टू हैव वर्ब है, दो चीज़ें बताता है। नंबर वन पोजीशन, पोजीशन, और दूसरा रिलेशन,
ठीक है, तो है वर्ब में हमेशा पसेशन होती है, रिलेशन होता है, मगर हमेशा इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लिखूंगा कि आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे दो सेंटेंसेस, दे आर प्लेयर्स, ठीक है, तो प्लेयर्स यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखा। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, नंबर वन सब्जेक्ट और नंबर टू प्रेडिकेट। ठीक है, और प्रेडिकेट में दो हिस्से होते हैं, ये वर्ब है, इसमें क्वेश्चन, जो भी वर्ब में अगर क्वेश्चन व्हाट आ जाए, पहले भी मैंने बताया है क्वेश्चन क्या आ जाए, व्हाट, इसमें अगर क्वेश्चन व्हाट आ जाए तो इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन वेयर आ जाए, जैसे कि वो खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी है, वो क्या है, उसमें क्वेश्चन आप पूछें कि वो क्या है, अगर क्वेश्चन क्या है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर हम सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं कि दे आर इन द प्लेग्राउंड, ठीक है, तो जैसे पहले ही बताया मैंने कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के दो हिस्से, वर्ब, यहां पर क्वेश्चन में है क्या आएगा कि वो खेल के मैदान में है, वो कहां पर है, वो किस जगह पे है। जब क्वेश्चन वेयर आ जाए और उर्दू में उसके हम कहें कि कहां पर है, किस जगह पे है, तो जिसका क्वेश्चन वेयर हो, क्वेश्चन वेयर हो, तो उसको हम कहेंगे अजंक्ट या एडवर्बियल या एडवर्ब ऑफ प्लेस उसको हम कहेंगे। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट यू, आई एम ट्राइंग टू डिलीवर माय लेक्चर इन उर्दू लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स गो टू द सेकंड वर्ब, टू डू वर्ब। तो टू डू वर्ब के बारे में कुछ सीखते हैं। टू डू वर्ब जो है हमें दो चीज़ें यहाँ पर बता रहा है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सेंटेंस यहाँ पर भी लिख रहे हैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दे ईट एप्पल्स, दे ईट एप्पल्स, ठीक है, तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के दो हिस्से। एक बात जो चीज में बता रहा था कि जो टू डू वर्ब है, टू डू वर्ब में एक्शन होती है, वो सेब खाते हैं, वो क्या करते हैं, सेब खाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसमें एक्शन है, इसमें एक्शन नहीं है, नो एक्शन, दे आर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी हैं, एक्शन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक्शन है, दे ईट एप्पल्स, वो सेब खाते हैं, कौन सी एक्शन है, खाने की एक्शन है, वुमेन ईटिंग समथिंग, राइट। सो उसके बाद जो है, तो इसमें एक्शन है, इसमें क्या है, एक्शन है, ठीक है, एक्शन हो, और उसके अलावा इसका क्वेश्चन जो हो व्हाट हो, क्या क्वेश्चन हो, व्हाट हो, वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं, मगर क्या खाते हैं, जब क्वेश्चन हो व्हाट, क्वेश्चन क्या हो, व्हाट, एक्शन वर्ब में भी अगर क्वेश्चन व्हाट हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। पहली बात तो इसमें एक्शन है, एक्शन, एक्शन मीन्स मूवमेंट, ठीक है, इसलिए इसको हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं, और उसके अलावा इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, और इसको एक्शन वर्ब भी कहते हैं, एक्टिव वर्ब भी कहते हैं। These are the different names given to do verb. Okay, and दूसरा sentence यहाँ पर लिख रहे हैं, action हो, अगर उसका question part हो तो वो ये समझ लेना कि ये object है, object ये आ जाए तो ये समझ लेना कि ये verb transitive है, कौन सा verb है, verb transitive। दूसरा sentence में लिख रहा हूँ यहाँ पर, they go to, they go to the bazaar, ठीक है, they go to the bazaar, अभी ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट के दो हिस्से,
verb और उसके अलावा ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन एक्शन तो है, एक्शन है इसमें जाने की, जाने की, जाने की एक्शन है, जाने की एक्शन है। मगर बात यह है कि इसमें एक्शन तो है, अभी हम कैसे पता चलेगा कि ये जो है आप ये नहीं या कोई और चीज़ है। Mostly there is a concept that anything that follows the verb is an object. Mostly you will find in especially in the traditional books as well, but it is not so. अगर question यहाँ पर what नाइ क्या, यहाँ पर कौन सा question बन सकता है? They go to the bazaar. Means where do they go? वो कहाँ जाते हैं? इसका सवाल ये बनेगा कि वो कहाँ जाते हैं? Where do they go? और उसके अलावा इसका क्वेश्चन यह भी बन सकता है, उर्दू में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं या किस जगह पे जाते हैं, ठीक है। अगर हम जगह की बात करें तो इसके अलावा यहाँ पर इसकी जो ये होगा इसका अजंट होगा, क्या होगा? अजंट, अजंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसको हम एडवर्ब भी कहते हैं। अभी एक सेंटेंस रहता है पोजेशन, मेरे ख्याल में ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि टू डू वर्ब में ऑब्जेक्ट या अजंट आता है और टू बी वर्ब में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अजंट आता है। इसमें भी व्हाट वेयर क्वेश्चन आता है मगर इसमें एक्शन नहीं होती है, टू बी वर्ब इज एक्शनलेस, यू नो दैट विदाउट एक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो एन स्टैटिक वर्ब, साइलेंट वर्ब, ठीक है। इसमें चुतपुर मोमेंट एक्शन कोई भी नहीं होती, इसलिए इसको हम साइलेंट वर्ब कहते हैं, स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं टू बी वर्ब को। और जिसमें एक्शन हो, एक्शन मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट हो, मूवमेंट के अलावा दो चीज़ें होती हैं, अगर मूवमेंट हो उसमें एक अगर क्वेश्चन पार्ट हो तो वो समझ लें कि ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर एक्शन हो, अगर क्वेश्चन उसमें वेयर हो, क्या क्वेश्चन हो? वेयर, अगर क्वेश्चन वेयर हो तो वो अजंट हो जाएगा, उसको हम नंबर टू अजंट या एडवर्बियल कहेंगे, ठीक है। अभी एक वर्ब रहता है टू हैव वर्ब, टू हैव वर्ब के बारे में आपको बता रहे हैं, सो let's wait, I'm just teaching you about this as well outstandingly. ये चीज़ें सीखने के लिए बहुत लाजमी है बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ताल्लुक रखती है। अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्लियर है तो आगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कि मसला ये है कि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना चाहते हैं तो आपका जो वर्ब का स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से आना चाहिए, और विदाउट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस वी कैन नेवर डिटरमिन एदर ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच वेल, वेदर इट इज नाउन, एडजेक्टिव और व्हाटएवर। सो व्हेन यू कम टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इट वुड बी वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स वेल। ओके नाउ सी, लेट्स सी इसके बारे में कुछ सीखते हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर करिए ऑब्जेक्ट होता है, पोजीशन रिलेशन देखा था, मगर उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट होता है इसमें, मगर ऑब्जेक्ट होता है इसका पैसिव कभी भी नहीं हम बना सकते, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। नो डिस्कशन अबाउट इट, एक्सेप्शन मींस एक एक्सेप्टेड रूल होता है, ठीक है। अभी मैं यहां पर सेंटेंस लिख रहा हूं जैसे कि पोजीशन के बारे में, आई हैव अ कार, ठीक है, मैं एक कार रखता हूं, एक गाड़ी रखता हूं, ठीक है, या मेरे पास एक गाड़ी है, ये जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, प्रेडिकेट भी हो गया। उसके अलावा ये वर्ब, प्रेडिकेट के दो हिस्से होते हैं, नंबर वन प्रेडिकेट, नंबर टू तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी चीज़ का नाम है, नॉन लिविंग थिंग का नाम है, इनएनिमेट थिंग, नॉन लिविंग को हम इनएनिमेट कहते हैं, और बेजान चीज़ जो हो तो उसके साथ हम कब्जा ही दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? पोजीशन दिखाएंगे। हियर टू वर्ब शोज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट विद यू नो दैट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पर किसी बेजा चीज़ पे हमारा कब्जा हो सकता है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है पोजीशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? पोजीशन दिखा रहा है। और दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आई हैव अ सन, आई हैव सन मीन्स मेरे पास एक बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, और प्रेडिकेट के दो हिस्से हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ब, और ये क्या होगा? तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, मगर यहाँ पर ये वर्ब जो है रिलेशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर? ओके,
ये रिलेशन है, सही है। तो यहाँ पर ये रिलेशन है, किसी बंदे के साथ हम रिलेशन दिखाएंगे और किसी भेजा चीज के साथ हम पोजीशन दिखाएंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टू बी टू डू एंड टू हैव वर्ब। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न मेनी मोर थिंग्स।